यहाँ पर देवसिद्ध बाबा बालकनाथ से वहां के महंत श्री श्री 1008 श्री राजेंद्र गिरी महाराज जी यहाँ पर पधार रहे हैं 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में। तो सब भक्त बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आए। और मुझे इस व्यास गद्दी का प्रभु व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज मैं प्रातःकाल उनके पास गया था और उनसे प्रार्थना की कि हमारे इस पावन भूमि को पवित्र करें, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी में तो हजार बार जाते हैं लेकिन संत महात्माओं के दर्शन एक बार भी नहीं होते। तो कल बड़ा सौभाग्य का दिवस है, सब लोग मिलकर के आए, अपने संबंधी जनों को, बंधु बांधवों को, सबको बुलाए और बाबा जी के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये देखो बड़े सौभाग्य की बात है, एक एक नहीं परम पिता परमेश्वर साक्षात प्रभु की कृपा है कि श्री श्री 1008 महाराज हमारे बीच में विराजमान होंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो जो जो भक्त प्रभु सेवा में पुष्पों की माला जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो दिन भर करके लाएं और प्रभु के चरणों का आशीर्वाद ग्रहण करें। और देखिए एक संत को, एक महात्मा को बुला करने का उद्देश्य यही होता है कि उनका आशीर्वाद की प्राप्ति हो। और जय मां वैष्णो देवी सेवा समिति का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर के लिए ये अवसर मुझे प्रदान किया और मैं आज बाबा जी की शरण में गया। और आप सभी ग्राम निवासियों को भी प्रभु श्री राम की इस परम पावन कथा की एक बार दोबारा से बधाई। और कल जो परम मंगल वेला आ रही है उसके लिए भी मैं आपको आज पहले बधाई दे देता हूँ। और कल की बधाई तो हम प्रभु बाबा जी से ही लेंगे। सब लोग पुष्प लाएं, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला लाएं और बाबा जी का स्वागत करें। और जितना भव्य हमारा पंडाल होगा उतनी प्रसन्नता बाबा जी को भी होगी और उतनी प्रसन्नता मेरे प्रभु श्री राम जी को होगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भूल युगल जोड़ी सरकार की जय। ब्रह्म आनंद तुझे धन्यवाद करता हूँ मैं बारंबार। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। सब कुछ नियमबद्ध है, हम भी नियमबद्ध ही हैं। नियम में बंधा रहेगा व्यक्ति तो आनंद आएगा।